एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। टीवीएस और बीएमडब्ल्यू का टाई अप 2013 में हुआ था और उसके बाद से टीवीएस ने 2017 में अपाचे RR 310 को लॉन्च किया और करेंटली अपाचे RR 310 का BS6 वेरिएंट भी लॉन्च हो चुका है। बट अपाचे RR 310 का नेकेड वेरिएंट RTR 310 को टीवीएस जल्दी ही लॉन्च करने वाली है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपाचे RTR 310 के बारे में, इस बाइक की लॉन्च डेट, प्राइस, फीचर्स, सभी डिटेल्स के बारे में बात करें। सो अगर आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। टीवीएस ड्रैगन एक कॉन्सेप्ट बाइक है और अपाचे RTR 310 इसी बाइक के ऊपर बेस्ड होगी, क्योंकि RTR 310 एक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक होने वाली है। टीवीएस के पास नेकेड बाइक्स की सीरीज के अंदर 200cc सेगमेंट से ऊपर की बाइक्स नहीं है। सो इसलिए टीवीएस अपाचे RTR 310 को जल्दी ही लॉन्च करने वाली है। अगर बात करें इस बाइक के लॉन्च के बारे में, तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है दिसंबर 2020 और एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस है 2 लाख। अगर इस बाइक की इंजन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो 312.2cc 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BOHC फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 34 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27.3 Nm का विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन। और इस बाइक के अंदर असिस्टेंट स्लिपर क्लच है और RTR 310 के अंदर RR 310 के जैसे ही काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बाइक एक फुली लोडेड फीचर्स वाली एडवांस बाइक होने वाली है। अगर बात करें इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में, तो RTR 310 के अंदर फुल LED हेडलाइट, LED टेल लाइट्स और LED इंडिकेटर्स भी है। और इस बाइक के अंदर RR 310 से इंस्पायर्ड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटली होंगे और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी होगी। इस बाइक में RR 310 के जैसे ही डिफरेंट राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट ये अभी तक कन्फर्म नहीं है। इसके सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक के अंदर RR 310 के जैसे ही गोल्डन फीस्ट अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक्स होंगे और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन होगा। इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इस बाइक में 300mm की फ्रंट डिस्क है और 240mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। डिजाइन और स्टाइल के बारे में बात करें तो RTR 310 TVS ड्रैगन से इंस्पायर्ड है और ये बाइक देखने में ड्रैगन के जैसे ही होगी, जो एक कॉन्सेप्ट मॉडल है। TVS ने अभी तक अपाचे RTR 310 के लॉन्च के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कोई भी अपडेट नहीं दी है, बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बाइक दिसंबर 2020 तक लॉन्च हो सकती है। सो ये थी सारी डिटेल्स अपाचे RTR 310 के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।